हाय गाइस, दिस इज ठाकुर एम्पायर। तो आज के इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं कंपेनियन फूड का यूज़। कंपेनियन फूड का क्या यूज़ है, अगर आपका फलकॉन अनलॉक नहीं हुआ है तो कैसे अनलॉक होगा, और तीसरा गाइस अगर आपका फलकॉन अनलॉक हो गया है तो उसको अपने कंधे से कैसे हटाएं और कैसे वापस लेकर के आएँ। क्योंकि गाइस बहुत लोगों को इसकी वजह से इन गेम के अंदर डिस्टर्बेंस होती है तो वो हटाना चाहते हैं, तो कैसे हटाएं ये भी मैं आपको बताता हूं। तो मेरा फलकॉन अनलॉक कैसे हो गया, इसके लिए गाइस हम लोग को जाना पड़ेगा अपने आरपी में, रॉयल पास में, जहां पर मिशन आता है। यहां पर गाइस रिडीम में, रिडीम पे क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको 30 कंपेनियन सेट दिख रहा होगा, लेकिन गाइस ये मिलेगा केवल उन्हीं लोगों को जो रॉयल पास परचेस किए होंगे। जैसे ही गाइस आपका 10 आरपी हो जाएगा वैसे ही आपका पहला वाला अनलॉक हो जाएगा, 15 आरपी पर दूसरा और 25 आरपी पर आपका तीसरा अनलॉक हो जाएगा। 150 बीपी में एक कंपेनियन सेट आपको मिलेगा, तो यहां से गाइस आपको 30 कंपेनियन सेट मिल जाएगा। और गाइस जो इवेंट चल रहा है वो गाइस 11 तारीख से चल रहा था, 11 नवंबर से, और आज उसका लास्ट डेट है यानी कि 18 नवंबर। तो टोटल गाइस आपको 8 दिन मिला और डेली गाइस आपको 5 कंपेनियन रेड मिल रहा था। इस तरीके से देखा जाए तो केवल आपके 8 दिन के अंदर 40 कंपेनियन रेड होंगे, लेकिन गाइस फलकॉन जो अनलॉक हो रहा है वो 50 कंपेनियन रेड में हो रहा है। तो बहुत लोग क्या कर रहे हैं, कंपेनियन अवतार ले रहे हैं, कंपेनियन फूड ले रहे हैं। कंपेनियन फूड गाइस तभी यूज होगा जब आपका फलकॉन अनलॉक होगा। फलकॉन अनलॉक नहीं होगा तो कंपेनियन फूड का करोगे क्या, और फलकॉन अवतार लेकर करोगे क्या? भाई फलकॉन अवतार का कोई यूज नहीं है, केवल एक फोटो आपके प्रोफाइल में लग जाएगी। और गाइस इससे अच्छे अवतार आपके पास पहले से होंगे तो वो यूज करिए, जरूरी नहीं है, क्योंकि गाइस इसकी वजह से हो सकता है कि आप अपने फलकॉन को अनलॉक ना कर पाए। जो गाइस इवेंट में 11 नवंबर से 18 नवंबर तक सही से पार्टिसिपेट किया होगा उसके पास आज की डेट फिनिश होने के बाद 40 कंपेनियन राइड होगा, तब भी गाइस आपके पास 10 कंपेनियन राइड कम पड़ रहा है। जो कंपेनियन राइड वाला इवेंट आया था वो गाइस आज लास्ट दिन है, लेकिन जो रिडेम्पशन वाला है, ये जो कंपेनियन रिडेम्पशन वाला है, ये गाइस लास्ट दिन है 25 तारीख, यानी कि आप देख सकते हो कि आपको 7 दिन एक्स्ट्रा दे रहे हैं। 7 दिन में गाइस एक ना एक इवेंट फिर से आएगा आपको कंपेनियन राइड लेने का, जिससे गाइस आराम से आप फलकॉन अनलॉक कर लोगे। इसके बाद गाइस अपने जो भी कंपेनियन राइड बचते हैं उससे आपको कंपेनियन फूड ले लेना है। कंपेनियन फूड का यूज अब मैं आपको बताता हूं कि क्या करना है। तो जब तक आपका फलकॉन अनलॉक नहीं होगा, आपकी चिड़िया अनलॉक नहीं होगी, तब तक गाइस कंपेनियन फूड का भी कोई यूज नहीं है। तो बहुत लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कंपेनियन फूड ही परचेस कर ले रहे हैं। तो गाइस चिड़िया ही अनलॉक नहीं करोगे तो खिलाओगे किसको? तो यहां पर गाइस देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे कंपेनियन फूड आ चुके हैं। तो कंपेनियन फूड देख लीजिए यहां पर 15 है, और गाइस मेरा फलकॉन भी अनलॉक हो चुका है। तो यहां पर यूज पर क्लिक करेंगे तो सीधे सीधे कंपेनियन के पास आ जाएंगे, कंपेनियन वाले ऑप्शन में जहां पर आपका फलकॉन उड़ता हुआ दिखेगा। तो यहां पर गाइस दूसरे तरीके से आप आ सकते हो कि वर्कशॉप पे क्लिक करोगे और गाइस यहां पर कंपेनियन वाला ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे तब भी गाइस आप उसी पेज पर आ जाओगे। तो इस पर गाइस क्लिक करते हैं कंपेनियन पे क्लिक करने के बाद देख लीजिए गाइस उसी पेज पर आ गए। अब देखिए गाइस यहां पर आप देख रहे होंगे जहां पर कंपेनियन फूड बना हुआ है उसके जस्ट बगल में दिख रहा होगा एक्सपीरियंस प्लस 100। और गाइस एक कंपेनियन फूड यूज करने के बाद आप अपने फलकॉन का 100 एक्सपीरियंस बढ़ाते हैं। अभी तक गाइस मैंने एक भी कंपेनियन फूड यूज नहीं किया है, तब भी आप देख सकते हैं जहां पर फलकॉन बना हुआ है, जहां पर ये चिड़िया उड़ रही है उसके जस्ट नीचे देखिए एक्सपीरियंस की लाइन बढ़ रही है। तो देख लीजिए 6000 पॉइंट आपको चाहिए एक्सपीरियंस, तभी गाइस आपका लेवल 2 अनलॉक होगा। और इस समय मेरा 769 एक्सपीरियंस हो चुका है। ये गाइस इस तरीके से होता है कि अगर आपके पास कंपेनियन फूड नहीं है तो आप अपने फलकॉन को इन गेम यानी कि क्लासिक मोड, आर्केड मोड, जो भी गेम खेलें उसको कंधे पर बैठाल करके ले जाएं तो इसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो ये गाइस ऐसे भी अपडेट हो सकता है, लेकिन ये कंपेनियन फूड से ये होगा कि अगर आपके पास कंपेनियन फूड है तो आप 100 एक्सपीरियंस एक कंपेनियन फूड से बढ़ा सकते हो। यानी कि गाइस अगर आप मान लीजिए आपके पास 10 कंपेनियन फूड है तो आप 1000 एक्सपीरियंस इसका बढ़ा दोगे, और गाइस जैसे ही आपका 6000 एक्सपीरियंस हो जाएगा वैसे ही आपका लेवल 2 अनलॉक हो जाएगा। फिर गाइस ये 6000 से 7 या 8000 बढ़ जाएगा लेवल 3 के लिए, फिर ऐसे ही गाइस लेवल 4, ऐसे ही लेवल 5, ऐसे ही लेवल 6, ऐसे ही लेवल 7 आपको सारे के सारे कंपेनियन के जो इमोट हैं वो अनलॉक कर लेने हैं, फलकॉन के इमोट हैं वो अनलॉक कर लेने हैं। इससे गाइस क्या होगा कि एक अचीवमेंट भी आया है वो गाइस आपका कंप्लीट हो जाएगा। अचीवमेंट के लिए गाइस आपको फलकॉन को अनलॉक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब गाइस मान लीजिए आपका फलकॉन अनलॉक हो जाता है
तो गाइज आपको फूड केवल फ्री में नहीं मिलेगा, यहाँ पर गाइज आपको फूड जो है यूसी में भी परचेस करने को मिलेगा। तो यूसी में गाइज कैसे परचेस करेंगे, जब आप सारे कंपेनियन फूड यूज कर लेते हैं तो यहाँ पर गाइज देख सकते हैं मेरा एक्सपीरियंस 2000 के पार जा चुका है, 2200 जा चुका है, अभी 700 था। तो दोबारा क्लिक करेंगे तो देखिए फ्रॉम द शॉप क्लिक आएगा और यहाँ पर गाइज जैसे ही जाएंगे तो 20 यूसी में आपको डायरेक्ट एक कंपेनियन फूड परचेस करने को मिलेगा। तो ये मत करिएगा, मैं केवल आपको बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है गाइज आप कंपेनियन को अपडेट करना चाहते हैं तो आप इनको इन गेम लेकर के जाइए और अपडेट करिए। अब गाइज मान लीजिए आपका लेवल 7 तक अपडेट हो गया, सारा काम इसका खत्म हो गया, अब इससे आपको डिस्टर्बेंस हो रही, दिक्कत हो रही, इसको आपको हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, इसके लिए गाइज फिर से इसी आइकन पर जाएंगे वर्कशॉप पर और गाइज कंपेनियन वाले ऑप्शन में जाते हैं। वहां पर गाइज आपको देखिए जहां पर एक्सपीरियंस बढ़ रहा हो वहां पर एक्सपीरियंस बढ़ते हुए देखिए लिखा होगा सेंड बैक, सेंड बैक देखिए और उसका पंजा बना होगा, फलकॉन का पंजा बना होगा। तो सेंड बैक पर आपको क्लिक करना है। तो यहां पर सेंड बैक पर क्लिक करने के बाद जैसे ही गाइज आप दोबारा लॉबी में आएंगे तो देख लीजिए कंपेनियन आपका हट चुका है, फलकॉन आपका गायब हो चुका है। और अगर गाइज आपको अपने कंपेनियन को दोबारा वापस लाना है तो देख लीजिए सेंड बैक की जगह ब्रिंग लिख गया है, तो वहां पर क्लिक कर देंगे तो दोबारा आपके कंपेनियन जो है वो गेम में वापस आ जाएगा और गाइज इसको इन गेम आपको लेकर के जाना पड़ेगा। क्योंकि गाइज अगर इसको अपडेट करना है तो ज्यादा ज्यादा वो कंपेनियन फूड तो मिलेगा नहीं, क्योंकि एक कंपेनियन फूड से केवल 100 एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, लेवल 1 से लेवल 2 जाने के लिए आपको 6000 एक्सपीरियंस चाहिए। तो यहां से देख सकते हैं आपको 60 कंपेनियन फूड चाहिए, तो इतना कंपेनियन फूड तो फ्री में गाइज मिलेगा नहीं। या फिर गाइज अगर आपके पास बहुत सारी यूसी है तो शॉप में जाकर 20 यूसी में एक कंपेनियन फूड आप परचेस कर सकते हो, जिससे गाइज इसको अपडेट कर सकते हो। अगर आपके पास यूसी नहीं है या फिर कंपेनियन फूड भी नहीं है तब गाइज इसको इन गेम लेकर के जाइए और धीरे धीरे गाइज ये अपने आप एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा और अपडेट होता रहेगा। इस तरीके से गाइज लेवल 7 तक आपको अनलॉक कर लेना है। तो यहां पर गाइज मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं, सबसे पहले अपने फलकॉन को अनलॉक करिए 50 कंपेनियंस राइड में, फिर गाइज जितना भी कंपेनियंस राइड बचता है उससे गाइज आप कंपेनियन फूड ले लीजिए और गाइज कंपेनियन अवतार लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका फलकॉन अनलॉक नहीं हुआ तो आपका गाइज बहुत सारा लॉस हो जाएगा, अचीवमेंट गाइज आपका नहीं कंप्लीट होगा और अचीवमेंट गाइज बहुत ही धमाकेदार है, उसका गाइज अगले वीडियो में या फिर एक दो वीडियो में मैं अपडेट आपको दे दूंगा, जिससे गाइज आपको पता चल जाएगा कि कंपेनियन को अनलॉक करना क्यों जरूरी है, क्या फायदा है इसका। तो गाइज वीडियो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट जरूर कर दीजिए मेरा वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। तो मिलते हैं गाइज आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।